और सभी को नमस्कार. मैं यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में तहसीलदार हूँ अशोक सेन. और सर ने बहुत बड़ी बात बताई, 1% में खड़े हैं, 1% के पीछे रीजन क्या है, ब्रेन जो दिया है वो इसलिए खड़े हुए हैं एक तरफ. इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि 1% में कैसे आते हैं. मोबाइल में यदि कॉल नहीं आ रहा तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस होगी तभी ये आए हैं. और हम हर कुछ शॉर्टकट में चाहते हैं, दिक्कत ये है हमारे साथ. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बड़ी चीज पाने के लिए बहाना नहीं होता कि हम टीवी भी देखेंगे, मोबाइल भी रखेंगे, उसके बावजूद भी हम सफल हो जाएं. बच्चों को हम चाहते हैं कि बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन हम बच्चों के लिए क्या करते हैं? हम अपना हैबिट्स क्या चेंज करते हैं? क्या हमारे यहाँ टीवी चल रहा है और बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे का दिमाग टीवी में रहेगा कि हमारे में पढ़ाई में रहेगा? इस पेरेंट्स को भी चेंज स्वीकार करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम बच्चों के लिए भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि हम अपनी हैबिट्स को चेंज करें. सर मैं इनके साथ एक लाइन बोलना चाहता हूं आप लोगों के सामने. कल शाम को मैंने एक